बसमिल नाजीन शेजरफराज़ यानी टी वी की तरफ से आज का मौजू है ग्यारहवा बुरज दल यानी एकेरियस एक्रियस शरीक हयात कैसी होती हैं तो ये समझ लें ये भी एक बड़ा ही अजीब व मुनफरद बुरज है आज़ादी इनका अहम तरीन पहलू है मर्द हों या खात ये बहुत ही ज़्यादा आज़ादी पसंद होते हैं और किसी किस्म की पाबंदियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते एक दलव शरीक हयात बहुत अनोखी अजीब चीज़ों की तमन्ना रखने वाली या उनके पीछे भागने वाली होगी बेशक उसके अंदर जज्बा हमदर्दी तकरीबन बारह बुरुज में सबसे ज़्यादा होता है दूसरों के काम आना सोशल वर्क ख़दमत खल लेकिन पाबंदियों से बेजारी इसीलिए लिए आम तौर से दल लोग मर्द हों या खी शादी से भी भागते हैं क्योंकि शादी एक ज़िम्मेदारी है और एक पाबंदी है तो आम तौर से ये इन्हें शादी की इतनी परवाह नहीं होती और दल ख़ी या मर्द हजरात की शादी तख़िर से होती है या वो ताख़िर से करते हैं एक दल्व लाइफ पार्टनर शरीक हयात बिलाशबा बड़े खुले दिल की रोशन दमाग लड़की होगी वो आप पर शक को शुबा नहीं करेगी आपको हर तरह की आज़ादी देगी और यही वो चाहेगी कि उसको भी इसी तरह की आज़ादी दी जाए उस पर शक न किया जाए वह साहिब किरदार होती है ऐसे लोगों के साथ ऐसे शोहर के साथ उसका गुजारा मुश्किल होगा जो शक्की है वहन करता है उस पर शक शुबा करता है वो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती इसी तरह वो अपने शोर से भी कभी नहीं पूछती कि आप बाहर क्या कर रहे हैं कहाँ जा रहे हैं क्या करना है आपको उसको इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है वो कुछ भी करते रहें वो अपने काम से काम रखती है और उसके कामों में सर फहरिशा ख़िदमत हल्क सोशल वर्क वो दूसरों के कामों बल्कि उसके अपने काम अपने घरेलू काम बाल अधूरे पड़े रह जाते हैं वो उनकी तरफ उसको ध्यान देने का मौका ही नहीं मिलता लेकिन दूसरे के कामों के लिए वो एक मिनट की ताखिर नहीं करती आप रात के एक बजे उसे फ़ोन करें कि मैं इस परेशानी में मुबतला हूँ तो वो फौरी आपकी मदद को पहुँच जाएगी और जो कुछ आपके लिए कर सकती है ज़रूर करेगी ये एक ख़ास मामला है जहाँ तक ताल्लुक़ है मोहब्बत का तो दल ख़ात की जो मोहब्बत है वो भी एक हमदर्दी का दूसरा रुख है वो दूसरों की हमदर्दी में बाजुकात इतना आगे बढ़ जाती हैं कि लोग इस गलत से ही मब्तला हो जाते हैं कि ये मेरी मोहब्बत में मब्तला हो गई है तो बाजुकात दूसरे लोगों को इस हवाले से शौक़ लगता है जबकि वो सिर्फ़ उनकी हमदर्दी में या उनकी मदद के लिए बहुत कुछ कर रही होती हैं और लोगों को यह ग़लत फहमी हो जाती है बहरहाल एक लाइफ पार्टनर के तौर के ऊपर दल ख़ी उन लोगों को भी बर्दाश्त कर लेती हैं जिन्हें वो नापसंद करती हैं अगर आप उन पर पाबंदियाँ ना लगाएँ उनके वो शक को वहम की नज़र से ना देखें तो वो आपकी बहुत सी गलतियों ख़ामियों वगैरह को नज़रअंदाज कर देंगी और आपके साथ एक बहुत अच्छा टाइम उनका गुज़रेगा इसी तरह दल खुवात को इस चीज़ से भी परेशानी होती है कि आप उनको टाइम टेबल का पाबंद बनाएँ मसला आप कहें कि फ़ला काम इतने बज के इतने मिनट पर कर लें कोई ज़रूरी नहीं है वो उसी टाइम में वो काम करे वो हो सकता है वो भूल जाए इनका जहन जो है बहुत दूर दराज के ख्यात और आइडियो में उलझा रहता है तो मुमकिन है आपने जो काम कहा हो और जिस वक्त करने के लिए कहा हो वो उस वक्त ना कर सके फिर किसी वक्त कर ले तो इस तरह की टाइम टेबल की पाबंदी उनसे नहीं होती या ये भी मुमकिन है कि किसी वक्त वो जैसा कि पहले बताया कि वो अपने काम को भी छोड़कर दूसरों के कामों में मसरूफ़ हो जाती हैं दूसरों के लिए एक अच्छा वो होती हैं इसी तरह फैमिली लाइफ के अंदर अपनी ससुराल के दीगर रिश्तेदारों और अजीजों, सास ससरिया अपने देवरों वगैरह नंदों वगैरह के मामलों में भी वो बहुत ही मददगार साबित होती हैं और उनके लिए जो कुछ कर सकती हैं करती हैं सिवाय इसके कि वो भी उनके ऊपर ऐसी पाबंदियां लगाने की कोशिश ना करें जो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं ख्याल रहे कि एक दल औरत या मर्द उस वक़्त फरार के रास्ते ढूंढने लगता है जब वो ये महसूस करता है कि उसको बांधने की और क़ैद करने की कोशिश की जा रही है लिहाजा अगर कोई दल ख़ातून दल शरीक हयात कहीं कहींदगी अख्तियार करती है तलाक़ का मुतालबा करती है या किसी को छोड़ती है तो समझ लें कि दूसरी तरफ के से उस पर ऐसी कोई पाबंदी आयद की गई जो उसके लिए नाकबिल बर्दाश्त थी अगर ऐसा ना किया जाए तो मैंने कहा ना कि वो सारी ज़िंदगी ऐसे लोगों को भी बर्दाश्त कर लेती हैं जो उन्हें पसंद ना हो ना पसंदीदा रिश्तों में भी वो एक अच्छा वक्त गुजारने की सलाहियत रखती हैं तो आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि बुज दलद से ताल्लुक़ रखने वाली शरीकयात कैसी होती है इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़